टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के सानिया हाल में लड़कियों के लिए मेहंदी कंपटीशन रखा गया था और इस मेहंदी कंपटीशन में लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये कंपटीशन महिला संघर्ष की तरफ से शहर शेख ने रखा था और साथ ही आसमा ब्यूटी पार्लर इंस्टीट्यूट ने इस मेहंदी कॉम्पिटिशन में आयोजन में सहभाग लिया था। इस मेहंदी कॉम्पिटिशन में सभी लड़कियों को एक ही डिज़ाइन दिया गया था, जो लड़कियों को हाथ पे उसी डिज़ाइन की मेहंदी रखनी थी और जो पहले विनर थे उसके लिए 5,000 और दूसरे विनर के लिए 2,000 और तीसरे विनर के लिए 1,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। इस मेहंदी कॉम्पिटिशन में दो जज भी थे जो हाथों में लगी हुई मेहंदी को बड़ी ही बारीकी से देख कर उसकी जाँच कर उसके बाद उसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड विनर को घोषित किया था। इस मेहंदी कंपटीशन में जो पहली विनर थी उसका नाम है महक इब्राहिम शेख, जिसे 5,000 रुपये का इनाम दिया गया और दूसरी विनर का नाम है मरियम, जिसे 2,000 रुपये का इनाम दिया गया और जो तीसरी विनर थी उसका नाम सकीना है, जिसे 1,000 रुपये का इनाम दिया गया और इन तीनों लड़कियों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस मेहंदी कॉम्पिटिशन में काफ़ी लड़कियों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेहंदी लगाई थी और ऐसी 5 लड़कियां जो बेहतरीन तरीके से मेहंदी लगाई थी और इन 5 लड़कियों को आसमा ब्यूटी पार्लर की तरफ से गिफ्ट दिया गया और साथ ही इन 5 लड़कियों को आसमा ब्यूटी पार्लर की तरफ से मेकअप का कोर्स भी कराया जाएगा। इस दौरान हमने जो फर्स्ट विनर है महक शेख और जो दूसरी विनर है मरियम और जो तीसरी विनर है सकीना, इनसे भी बातचीत की है, आपको सुनाएंगे। साथ ही आसमा ब्यूटी पार्लर के जो डायरेक्टर हैं आसमा अमीन, उनसे भी बातचीत की, वो भी सुनाएंगे। साथ ही इस मेहंदी कंपटीशन का महिला संघर्ष की तरफ से जो आयोजन किया गया था, शहर शेख ने इसका आयोजन किया था, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज मेहंदी कॉम्पिटिशन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा था और बहुत सारी लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया और हम बहुत ही खुश हैं। ये हमारे जजेस हैं, इन्होंने भी आज लोगों को जज किया। 400 लोगों का क्राउड था, सबको मैनेज किया और 3 विनर्स निकले, जिसमें से फर्स्ट प्राइज को 5,000 का कैश प्राइज मिला है, सेकेंड को 2,000 और थर्ड को 1,000। उसके अलावा 5 शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को हमने आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट में फ्री मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी कर रहे हैं, वो लोग फ्री में वो करवा रहे हैं उनका कोर्स। और एक इन्फो हाइब्रिड आईटी फर्म है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाएगी 20 शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को। तो ये सारे फ़ायदे और बेनिफिट्स हैं जो आज के प्रोग्राम से उनको मिले। उकसाना इब्राहिम शेख, बहुत मुश्किल था, बहुत टफ भी था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग बोलते ना सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे उनको टीम मतलब उसमें से वो करें। अच्छा बहुत अच्छा किया, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, बहुत डिफिकल्ट था। तो पहले तो हमने आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने लोगों को एक टास्क दिया था आज के मेहंदी कंपटीशन में, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी पार्टी से बिलोंग करती हूँ तो मैं चाहती थी कि मेरी पार्टी का एक शैडो मेरे इवेंट में दिख के आए और वो चीज़ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनको ये टास्क दिया कि उनकी जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो डिज़ाइन में वो हमारी जो राष्ट्रवादी का सिंबल है क्लॉक, वो क्लॉक कहीं पर भी फिट करे जहाँ उनकी मर्जी है, वो क्लॉक के बेसिस पे हमने उनको जज किया, किसने क्लॉक कहाँ फिट किया, कैसे फिट किया, एग्जैक्ट बनाया और क्लॉक में जो टाइम है राष्ट्रवादी का 10:10 वो एग्जैक्ट होना चाहिए और वैसे वो तीनों ने किया है, इसीलिए उनको वो बेसिस पे हमने सिलेक्ट किया। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा अमीन पोची है, मैं आसमा ब्यूटी पार्लर इंस्टीट्यूट की ओनर हूँ। आज हमारा जो सहार जी ने जो इतना अच्छा इवेंट रखा था, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है हमें, तो मैंने इनके साथ में कोलैब किया था
कि मुमरा की जो लेडीज़ है उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है बस, बाकी उनमें सब में टैलेंट है, किसी को सपोर्ट या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है लेडीज़ को, तो इसीलिए मैंने कोलैबोरेशन किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी पब्लिक आई थी सबको, जो फाइनल जो इनके थर्ड थे इनको विनर भी मिला है, जो हमने शॉर्टलिस्ट करके जो भी हमारा था हम लोग मेकअप आर्टिस्ट क्रैश कोर्स कराने वाले हैं उनका भी हमने शॉर्टलिस्ट नाम दे दिया है, इन्हें सर्टिफिकेट सामने हम लोग क्रैश कोर्स कराएंगे आसमा ब्यूटी पार्लर इंस्टीट्यूट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, मैंने जितनी मेहनत करी इसके लिए मुझे मिला है ये, और अगर कोई और भी इतनी मेहनत करे तो शायद उसको भी मिलता था। डिज़ाइन जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो लोग ने प्रोवाइड किए थे, हम लोग को बनाना था लेकिन हम अपने तरीके से बैठाना था उसको, तो जो जैसे बैठाएगा उसको ज़्यादा अच्छे से रहेगा, तो वो लोग को पसंद आई। ये मेरा पहला कॉम्पिटिशन था मेहंदी का, और मैं बहुत सरप्राइज भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ, मतलब मैं मुझे मेरे सोच से भी ज़्यादा मुझे मिला है ऐसा, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी जैसे आज मुझे कामयाबी मिली उसे हर लड़की को मिली, वो भी मेरी तरह ही ऐसे कामयाबी हासिल करे। दूसरा स्थान था इस कंपटीशन में, खासतौर पर यहाँ पर जो आई थी महिला सभी ने डिज़ाइनिंग अच्छी की, लेकिन जो जजेस थे उन्होंने अलग अलग जो है जायजा लिया था, और आपका इसमें तीसरा स्थान रहा, तो आपको भी प्राइज मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की कंपटीशन जो है शहर में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और भी, ताकि जो लड़कियों बिल्कुल होना चाहिए। मैं पहले ना ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो जो शहर मैम है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल किया, सबको लाइन वाइज नंबर वाइज बिठाया, और मैं खुद 150-250 लोगों के बीच में एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी कि मेरे को थर्ड प्राइज़ भी आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर इतना क्राउड था कि हम लोग जाने की भी सोच रहे थे कि चले जाते, क्या पता कौन आएगा फर्स्ट थर्ड, बट लक अच्छा था कि थर्ड पे आया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा कंपटीशन मुमरा में पहली बार हुआ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेहंदी का, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एक लेडी खड़ी हुई है जैसे शहर जी है। नहीं नहीं, ये तो फिलहाल औरों ने कहीं से सीखा होगा, पर मैं अपने खुद से सीखी हुई हूँ और मेरी क्लासेस भी चलती है, तो मेरे को उन्होंने खुद से कहा था कि आप आइए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जोया मैम जो है वो हमारे नेबर में ही लगती है, तो उन्होंने ही कहा था कि इसमें आइए पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत अच्छा लगा, इतने लोगों में थर्ड आना भी बहुत बड़ी बात होती है।